In this quick 3 to 4 minute video, I am going to discuss three cases which decides whether you will be super rich in your life or not. All these three cases will be dependent on moon ya fir chandra, because chandra hamari kundli mein paison ka karak hota hai. So chandra se related teen cases hum discuss karenge. Agar ye teenon mein se koi bhi case hai, that person will be rich in his life, aur wo bhi normal rich nahi, acche wala rich. So pehli position jo chandra se related aap apni kundli mein check kar sakte hain, birth chart mein d1 mein bhi, d9 mein bhi, d10 mein bhi आप ये कंडीशन चेक करें कि चंद्र से उपच्चय हाउसेस में कौन से ग्रह बैठे हैं. देखिए उपच्चय हाउसेस कौन से होते हैं, नॉर्मली 3, 6, 10 एंड 11, दीस आर कॉल्ड उपच्चय हाउसेस. सो नाउ व्हाट यू हैव टू चेक इज जो चंद्र है आपकी कुंडली में, सपोज चंद्र यहां बैठा है, चंद्र से थर्ड 1, 2, 3, इस केस में चंद्र से थर्ड ये आ गया, चंद्र से सिक्स 4, 5, 6 ये आ गया, चंद्र से 10th 7, 8, 9, 10 ये आ गया, और चंद्र से 11. इन चारों हाउसेस में क्या बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं? बेनिफिक प्लैनेट्स तीन ही होते हैं, नेचुरल बेनिफिक्स, जुपिटर, वीनस और मर्करी. तो इन चारों में से कहीं भी जुपिटर, वीनस या फिर मर्करी बैठे हैं, दिस पर्सन, दिस नेटिव विल बी वेरी रिच इन हिज लाइफ. ये हम नॉर्मल रिच की बात नहीं कर रहे, क्योंकि चंद्र देखिए पैसों का कारक होता है. तो अगर चंद्र से उपच्चया में ज्यादा बेनिफिट्स बैठे होंगे, अगर तीनों ही बैठ गए यहां पे जैसे 3, 6, 10 और 11 में, तो ज्यादा रिच होगा नेटिव. दूसरी कंडीशन पे चलते हैं. अब चंद्र अगर आपकी कुंडली में, सपोज करिए नाउ चंद्र इज सिटिंग, लेट्स सपोज चंद्र इज सिटिंग ओवर हियर, और चंद्र बैठा है लेट्स सपोज 6 नंबर राशि में. सो नाउ टू एनालाइज कि आपके लाइफ में आपके पास ज्यादा पैसे होंगे या नहीं, कंडीशन क्या है, जो चंद्र का डिपॉजिटर है, दिस डिपॉजिटर, दैट मीन्स चंद्र जिस राशि में बैठा है उसका ओनर, उसका रूलर, सपोज करिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसका रूलर यानी कि मर्करी या तो अपने ही साइन में बैठ जाए. अपना साइन कौन सा होता है मर्करी का, 3 और 6, सो 5, 4, 3, यानी कि मर्करी यहां बैठ गया, या फिर मर्करी चंद्र के साथ ही बैठ गया एग्जॉल्टेड होके 6 नंबर राशि में, या फिर यही मर्करी डेबिलिटेटेड भी बैठ गया. यानी कि चंद्र का जो डिपॉजिटर है, दैट इज सिटिंग इन हिज ओन हाउस और इज एग्जॉल्टेड और इज डेबिलिटेटेड, तीनों केसेस में इस नेटिव के पास बहुत धन होगा लाइफ में. अब थर्ड कंडीशन पे चलते हैं. देखिए चंद्र से क्योंकि हम पैसे देखते हैं, थर्ड कंडीशन ये है कि चंद्र आपकी कुंडली में या तो अपनी राशि में बैठा हो, यानी कि 4 नंबर कहीं भी फॉल हो रही हो, 4 नंबर में चंद्र खुद बैठा है, या फिर ये चंद्र एग्जॉल्टेड बैठा है टॉरस के अंदर, दैट मीन्स इसी केस में चंद्र यहां बैठा होता 2 नंबर में. इन दैट केस ऑल्सो इसके अलावा आप और ये चेक कर सकते हैं कि इस चंद्र की और क्या स्ट्रेंथ है. जुपिटर इसको दृष्टि दे रहा है, बेनिफिट्स दृष्टि दे रहे हैं कि नहीं, ये वीक स्थिति में तो नहीं है, राहु के तो दृष्टि तो नहीं दे रहे, सब कुछ चेक करके अगर चंद्र की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली में, पैसे आपके पास 100% होंगे. तो देखिए तीन केसेस हमने आज डिस्कस करे चंद्र से रिलेटेड जिससे आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं. एक तो होता है नॉर्मल रिच, वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर रिच ओवर हियर. तो तीन केसेस क्या थे, एक तो आपने चेक करा चंद्र से उपच्चय हाउसेस 3, 6, 10 एंड 11 में कौन से ग्रह बैठे हैं. अगर बेनिफिक्स बैठे होंगे, जुपिटर, वीनस या मर्करी बैठे होंगे, इट इज वेरी गुड. सेकेंड, चंद्र का डिपॉजिटर चेक किया, किस राशि में चंद्र बैठा है, उसका लॉर्ड की स्ट्रेंथ क्या आपकी कुंडली में, उसके लॉर्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, यू विल लीड अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ. और थर्ड, चंद्र की खुद की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में, इस पर भी डिपेंड करता है आपके पास कितने पैसे होंगे. तो चंद्र से पैसे देखने के लिए हमने तीनों केसेस डिस्कस करे. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, बट इट इज नॉट श्योर दैट आई विल आंसर इट बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर. सो टू बी स्ट्रेट, आई एम जस्ट अ कंसल्टेंट, आई जस्ट डू कंसल्टेशंस इन एस्ट्रोलॉजी एंड आई डू नॉट टीच एस्ट्रोलॉजी एनीवेयर. अगर आपको वीडियो से सीखना है, यू आर फ्री टू लर्न फ्रॉम वीडियोज, बट आई डू नॉट ऑफर एनी ऑफ माई सर्विसेज फॉर फ्री. धन्यवाद.